हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 4.3 डिस्कस की थी। 4.3 हमारी कंप्लीट हो गई थी, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 4.4। अब देखते हैं 4.4 में क्या है। तो 4.4 का कंसेप्ट हमारा नेचर ऑफ रूट्स। अब नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो नेचर ऑफ रूट्स में हम लोग देखते हैं, आप लोगों ने पीछे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किया था। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में हम क्या निकालते थे? रूट्स निकालते थे, रूट्स ऑफ एन इक्वेशन। रूट्स ऑफ इक्वेशन का क्या फॉर्मूला था? माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय में 2a, ये था। और यहाँ पर जो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको क्या बताया था मैंने आपको? ये क्या होता है आपका? डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है ये आपका? डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो जो नेचर ऑफ रूट्स है, कि रूट्स की नेचर किस तरह की होंगी, जो आपके रूट्स आएंगे वो किस तरह के आएंगे, वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? आपके डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। और डिस्क्रिमिनेंट को किससे डिनोट करते हैं हम? डी से, ठीक है। तो अब देखते हैं, सबसे पहले अगर हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है? ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो का मतलब है पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि जो जीरो से ग्रेटर आ गए वो सारे पॉजिटिव आ गए। अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो है, देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल, रियल तो पता ही आपको, रियल नंबर होंगे तो वो रूट्स भी क्या होंगे आपके? रियल होंगे। एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है दो रूट आएंगे और दोनों की वैल्यू क्या होगी? अलग अलग होगी। तो ये क्या हो गए? रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। सेकंड आता है इसके अंदर, क्या आएगा सेकंड यहाँ पर? अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू हो जाता है जीरो। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या हो जाए आपका? जीरो, मतलब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो हो जाता है, देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तब रूट्स आपके कैसे होंगे? रियल होंगे, बट वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। अगर ग्रेटर देन जीरो तब तो डिस्टिंक्ट, अलग अलग होंगे। अगर इक्वल टू जीरो तब आपके रूट्स क्या आएंगे? रियल भी होंगे और दोनों के दोनों इक्वल, जैसे -1 -1, -2 -2, ठीक है, अलग अलग रूट नहीं आएंगे। फिर थर्ड आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये सॉरी मैंने यहाँ इफ नहीं लगाया, इफ लगाओ, ठीक है। अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ जाए? लेस देन जीरो, मतलब नेगेटिव आ जाए अगर ये। अब आपको पता रूट में नेगेटिव तो हमारा एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये क्या हो जाएंगे यहाँ पे आपके? देन रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आपके रियल नहीं होंगे। देखो रियल नहीं होंगे, ठीक है, एग्जिस्ट तो करेंगे, सॉरी मैंने बोल दिया कि एग्जिस्ट नहीं करते, एग्जिस्ट तो करते हैं पर वो रियल नहीं होंगे, वो इमेजिनरी होते हैं। इमेजिनरी का कंसेप्ट है वो आपके प्लस वन क्लास में आता है, ठीक है। तो अभी के लिए आपको क्या करना है? द रूट्स आर नॉट रियल, तो रियल रूट नहीं होंगे वहाँ पे। तो ये होती हैं नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स में अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो, देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो, देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इफ डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन जीरो, नेगेटिव आ जाए, देन रूट्स आर नॉट रियल, फिर आपके रूट्स रियल नहीं आएंगे, क्लियर है। तो ये थी आपकी नेचर ऑफ रूट्स। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चन किस तरह के आए हुए हैं हमारी एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज है हमारी 4.4, क्लियर है, सबको दिखाई दे रहा है क्लियरली। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, पहले हमें उनके क्या निकालने हैं? नेचर निकालनी है। इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, देखो इसने क्या बोला है, रियल रूट, अगर उसका रियल रूट एग्जिस्ट करता है देन फाइंड देम, फिर उन रूट्स को हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो जैसे कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं, हम सेकंड ले लेते हैं, ठीक है, इसमें रूट आ रहा है यहाँ पे, तो सेकंड पार्ट ले रहे हैं हम इसका। क्या है यहाँ पर आपका सेकंड पार्ट? सेकंड पार्ट है आपका 3x² माइनस 4√3x प्लस 4=0। यहाँ से आप इनको अलग अलग करके लिखोगे, a कितना आएगा? 3, ये आता है एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट। b कितना आएगा? -4√3। और c कितना आएगा? 4। तो
तीनों वैल्यूज को अलग अलग ले लिया आप लोगों ने। अब तीनों वैल्यूज को अलग अलग लेने के बाद हम क्या चेक करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। बी स्क्वायर माइनस फोर रूट थ्री का स्क्वायर माइनस फोर, ए कितना है थ्री, सी कितना है फोर। तो अब देखो नेगेटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही आएगा, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन और रूट थ्री का थ्री, तो सिक्सटीन थ्री ज़ा फोर्टी एट, माइनस में फोर फोर ज़ा सिक्सटीन, सिक्सटीन थ्री ज़ा फोर्टी एट, दैट इज इक्वल टू क्या आ गया ज़ीरो। तो क्या लिखोगे, सिंस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू ज़ीरो, सो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स हमारे कैसे होंगे, रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे, क्लियर है। अब इसने कहा था कि अगर रूट्स आपके रियल हैं, एग्जिस्ट कर रही हैं, रियल रूट एग्जिस्ट कर रही हैं, तो आप क्या निकालोगे वहाँ पे, उसके रूट्स भी निकालने हैं। हाँ, अगर ये ध्यान रखो, अगर यहाँ पे नेगेटिव आ जाता, ठीक है, लेस देन ज़ीरो आ जाता, तो क्या लिख देते, रूट्स आर नॉट रियल। अब रियल नहीं है तो आपको फाइंड आउट भी नहीं करने, जो रियल है वही फाइंड आउट करने हैं आपको, ठीक है। तो आगे देखते हैं, हम रूट्स निकालते हैं। अब रूट्स निकालने का हमारे पास क्या फॉर्मूला है, वही माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय में टू ए। तो माइनस बी, माइनस में बी क्या है फोर रूट थ्री, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अभी अभी हमने निकाला हुआ है, ज़ीरो आया था, तो ज़ीरो का रूट तो ज़ीरो ही आया, टू इंटू ए कितना था थ्री, तो ये कितना आ गया माइनस माइनस प्लस, तो फोर रूट थ्री। अब प्लस माइनस वाला तो ज़ीरो है, तो ज़ीरो को प्लस कर लो माइनस कर लो, कोई चेंज नहीं आना है, टू इंटू थ्री, ठीक है। तो यहाँ पे कैंसिल आउट करो इसको, टू टू ज़ा, तो कितना आ गया टू रूट थ्री बाय थ्री, ठीक है। सो रूट्स क्या आएंगे, रूट्स आर, अब रियल है टू रूट थ्री बाय में थ्री, और इक्वल है तो दोनों ही रूट क्या आएंगे, सेम आएंगे, ये आंसर आ जाएगा। कर लेंगे सभी, बहुत आसान चीज़ें हैं, हो जाएगा। तो 4.4 के थ्री फर्स्ट क्वेश्चन के थ्री पार्ट हैं, ये आप लोग इसी तरह से करोगे, कर सकते हैं सभी। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू रियल इक्वल रूट्स। इसने क्या कहा कि के की वैल्यू निकालनी है इसके अंदर आपको, अगर क्या कहा इसने, सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स, इसके क्या है रूट्स, इक्वल हैं। अगर रूट इक्वल होते हैं, हमने अभी अभी पिछले क्वेश्चन में ही किया है, रूट इक्वल कब होते हैं, व्हेन बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको करते हैं, सेकेंड पार्ट करवा रही हूँ मैं आपको, देखो गिवन इक्वेशन इज क्या है, के एक्स इंटू एक्स माइनस टू प्लस सिक्स इक्वल टू ज़ीरो। सो के एक्स स्क्वायर माइनस में टू के एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू ज़ीरो, ये आ गया। यहाँ से ए कितना आएगा आपका के, बी कितना आएगा माइनस टू के, और सी कितना आएगा सिक्स, तीनों चीज़ें आ गई। अब क्या लिखोगे, सिंस रूट्स आर इक्वल, रूट्स क्या है इक्वल है, सो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू क्या जाएगा आपका ज़ीरो। सो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू क्या रख दोगे यहाँ पे ज़ीरो, तो बी स्क्वायर रखो, बी स्क्वायर क्या है आपका माइनस टू के का स्क्वायर माइनस फोर, ए कितना है के इंटू सी कितना है आपका यहाँ पे सिक्स, हाँ जी देखो, ठीक है, इक्वल टू क्या रख दिया ज़ीरो, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या बनेगा आपका, टू टू ज़ा फोर के स्क्वायर माइनस में सिक्स फोर ज़ा ट्वेंटी फोर के इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ से फोर के कॉमन निकाल दो, निकाल दिया, सो के माइनस सिक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे देखो, ये नहीं है कि आप पूरे फोर के को उधर ले जाओगे, नहीं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, आइदर के इक्वल टू ज़ीरो और के माइनस सिक्स इक्वल टू ज़ीरो, फोर के, सॉरी फोर भी, या तो फोर के ज़ीरो होगा या फिर के माइनस सिक्स ज़ीरो होगा,
तो यहाँ से तो क्या आ जाएगा, या तो के जीरो है या फिर के क्या है, सिक्स है। तो ये इनके आंसर आ जाएगा, के की वैल्यू या तो जीरो आएगी या फिर सिक्स आएगी। क्लियर है, कर सकते हैं। इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए, के की वैल्यू निकालनी हो, किसी तरह की इक्वेशन दे रखी हो, वहां पे अगर उसने क्या दिया है, रूट्स आर इक्वल, क्योंकि के की वैल्यू रूट्स आर इक्वल में ही आएगी, क्योंकि वहीं पे हम इक्वालिटी रखते हैं, अदरवाइज वो लेस देन ग्रेटर देन जीरो होता है। तो के की अगर वैल्यू निकालनी आती तो वहां पे रूट्स आपके इक्वल ही आएंगे। अगर इक्वल है तो बी स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, या आपने पहले से ए बी सी अलग अलग किए होते हैं तो वहां से उनको पुट करो और सॉल्व कर दो, ठीक है। जरूरी नहीं है, जैसे यहाँ पे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई थी तो दो वैल्यू आ गई, सिंगल में भी आ जाती है, सिंगल आंसर भी आ जाता है आपका, ठीक है। तो आइदर के इक्वल टू जीरो और के इक्वल टू सिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो इसके दो पार्ट हैं, आप लोग कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे क्या है आपका। थर्ड क्वेश्चन ये कहता है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर मैंगोग्रोव। मैंगोग्रोव मतलब एक आम की कोई जैसे टोकरी वगैरह या क्रेट वगैरह बोले वो बनानी है। वो क्या कहता है कि रेक्टेंगुलर डिजाइन में हमें आम की कोई टोकरी वगैरह कुछ बनाना होगा, हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, जिसकी लेंथ उसकी ब्रेथ की क्या है, दोगुनी है, एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, और एरिया कितना है 800 मीटर स्क्वायर। इफ सो, अगर ऐसा हो सकता है, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। एक चीज ध्यान दो, इसने क्या बोला, इज इट पॉसिबल, क्या ऐसा संभव है कि हम एक इस तरह की मैंगो ग्रेव बना दे जिसमें लेंथ ब्रेथ की क्या हो ट्वाइस और उसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर। मतलब हमें तो पहले ये चेक करना है कि जो आप ये जो इसने सिस्टम दे रखा है उसके अकॉर्डिंग जो भी आप इक्वेशन बना रहे हो वो एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, मतलब उसके रूट्स रियल आएंगे या नहीं आएंगे। अगर रूट्स रियल आते हैं तभी हम उसकी लेंथ और ब्रेथ निकाल सकते हैं, अगर रूट्स रियल नहीं आएंगे तो वो आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब इस तरह की हम कोई भी मैंगो ग्रेव नहीं बना सकते। तो लेट कर लोगे, लेट, अब इसने क्या कहा, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, लेंथ ब्रेथ की ट्वाइस है, तो लेट किसको करोगे, ब्रेथ को, ठीक है। लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगोग्रोव लिख लेना आप लाइन, ठीक है, एक्स मीटर स्क्वायर है ना, तो एक्स मीटर, ठीक है। देन लेंथ क्या हो जाएगी, अगर ब्रेथ एक्स है तो लेंथ उसकी क्या है ट्वाइस है, तो टू एक्स मीटर। लेंथ कितनी आ गई, टू एक्स, ब्रेथ एक्स है तो लेंथ हो गई टू एक्स, एरिया कितना दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर। अब एरिया 800 मीटर स्क्वायर है तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू क्या रख दोगे 800, क्या आ गया ये 2x square equal to 800, so x square equal to कितना आएगा, 2 से डिवाइड कर दो इसको 400, इस 400 को इस तरफ ले आओ। देखो सॉल्व कैसे करना है, ये नहीं है कि हम तो यही निकाल देंगे जी, नहीं, x square माइनस में 400 इक्वल टू जीरो। यहाँ से अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह देखें इसको, a कितना है x के साथ 1, b कितना है 0 और c कितना है माइनस का 400। तो हमें चेक करना है कि ये पॉसिबल है या नहीं, वो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेंगे, बी स्क्वायर जीरो का स्क्वायर माइनस में फोर, ए कितना है 1, सी कितना है माइनस का 400, ठीक है। माइनस से माइनस कितना हो गया प्लस का, प्लस 4 4 16 100, विच इज ग्रेटर देन जीरो। अब ये ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या है कि क्या है, रूट्स आर, सो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स क्या होंगे, रियल भी रियल होंगे और क्या होंगे, अलग अलग होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो रियल है तो अब रूट्स निकाल देते हैं, सो एक्स इक्वल टू क्या आएगा आपका, फॉर्मूला लगा दो, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय में टू ए। हाँ एक चीज और, जरूरी नहीं है आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही लगाओ, आप डायरेक्ट भी इसको फैक्टराइज कर सकते हो, ठीक है, कोई मेथड लगा दो, मैंने ये लिख दिया तो यही लगा देते हैं हम। माइनस बी मतलब माइनस माइनस प्लस का 400, प्लस माइनस रूट ऑफ क्या जाएगा ये 1600 यहाँ पे बाय में टू इंटू ए वन, तो ये आ गया आपका 400 प्लस माइनस 400 बाय में टू। तो अब देखो एक बार तो क्या लोगे x को, 400 प्लस 400
800 बाय 2 यही आएगा, और एक बार क्या आएगा ये आपका, जस्ट ए मिनट, यही आएगा ठीक है, 420 का स्क्वायर होता है, एक सेकेंड सॉरी बेटा थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गई यहाँ पे, हमारे जो माइनस बी था वो कितना आना था आपका, ज़ीरो आना था, तो ये तो ज़ीरो आएगा ठीक है, ज़ीरो प्लस माइनस रूट ऑफ 1600 बाय में 2a, तो 1600 का आ गया आपका यहाँ पे, ये मिस्टेक हो गया जस्ट थोड़ा सा, तो ज़ीरो प्लस माइनस कितना आ गया 40 बाय में 2 ये आ गया। तो अब एक बार तो हम क्या लेंगे x को 40 बाय 2 लेंगे, 40 बाय 2 कितना आ गया 20, और एक बार क्या लेंगे माइनस 40 बाय 2 दैट इज माइनस के 20। अब जो लेंथ और ब्रेथ है वो नेगेटिव तो नहीं हो सकती, तो ये क्या हो जाएगा आपका रिजेक्टेड हो जाएगा ठीक है। सो ब्रेथ कितनी आ जाएगी, ब्रेथ आ जाएगी आपकी 20 मीटर, और लेंथ कितनी आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी आपकी ट्वाइस है 2 × 20 इक्वल टू 40 मीटर, ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पर मैंने ध्यान नहीं किया बी की वैल्यू मैंने सी की रख दी, यहाँ पे बी तो हमारा ज़ीरो था, तो ये ज़ीरो आएगा उसके अकॉर्डिंग, ये ज़ीरो प्लस माइनस, और 1600 का क्या आता है 40 आता है, 40 का स्क्वायर 1600 होता है, तो ज़ीरो प्लस माइनस 40 बाय 2। क्लियर अब यहाँ तक सबको, तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ देखते हैं, ये कहता है इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, जैसे ये सिचुएशन दे रहा है क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं है, और अगर ऐसा होता है डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, उनकी प्रेजेंट एजेस बतानी है आपको। क्या कहता है द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स, दो फ्रेंड हैं उनके एजेस का सम कितना है 20 ईयर्स, 4 ईयर्स एगो 4 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वाज 48, उनकी जो एजेस का ईयर्स में प्रोडक्ट था वो कितना था 4 साल पहले 48। अब टू फ्रेंड्स हैं और उनके एजेस का सम 20 है, अगर हम 1 की एज x ले लेंगे तो दूसरे की कितनी आएगी 20 माइनस x, क्योंकि दोनों का टोटल 20 है, एक x एक 20 माइनस x ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डालोगे 4 ईयर्स एगो 4 साल पहले जिसकी उम्र x है उसकी क्या हो गई x माइनस 4, और जिसकी 20 माइनस x है उसकी में से भी 4 माइनस होगा तो ये कितना बचेगा x माइनस 4, 20 में से 4 गया 16 माइनस x, और इनका प्रोडक्ट कितना है 48। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे क्वाड की इक्वेशन बनेगी, बना लोगे आप लोग, और फिर उसको जैसे यहाँ चेक किया था बी स्क्वायर माइनस 4ac इस तरह से चेक करोगे, अगर आपका वो ग्रेटर देन जीरो आता है देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल भी होंगे और डिस्टिंक्ट भी होंगे, तो हम उनकी एज निकाल सकते हैं। अगर ये आपका लेस देन जीरो आ गया क्या लिख दोगे रूट्स आर नॉट रियल, तो हम उनकी एज फाइंड आउट नहीं कर सकते। कर लेंगे सभी। फिफ्थ देखते हैं, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क, क्या एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाना पॉसिबल है ऑफ पेरीमीटर, जिसका पेरीमीटर कितना दे दिया 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। अब पेरीमीटर दिया है किसका, रेक्टेंगुलर का, रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर क्या होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ ठीक है, एंड एरिया क्या दे दिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड, तो देखो इसको कैसे करोगे, यहाँ पे क्या दिया है इसने पेरीमीटर दिया है 80 मीटर, पेरीमीटर क्या होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ 80, तो लेंथ प्लस ब्रेथ कितना हो गया 2 से डिवाइड करोगे दैट इज 40, मतलब लेंथ और ब्रेथ दोनों का टोटल कितना है 40, तो यहाँ पे अब लेट करोगे, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट ले लिया हमने एक्स मीटर, तो ब्रेथ कितनी हो गई, अब देखो दोनों का टोटल अगर 40 है तो ब्रेथ कितनी जाएगी आपकी 40 माइनस एक्स मीटर, याद है लेंथ और ब्रेथ। अब एरिया कितना दे रखा है, एरिया दे रखा है इसने 400 मीटर स्क्वायर, सो एरिया क्या जाएगा आपका लेंथ इंटू ब्रेथ, तो दैट इज एक्स इंटू में 40 माइनस एक्स इक्वल टू 400, कर सकते हो अब इसको मल्टीप्लाई, क्या बनेगा ये 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400, ये एक्स स्क्वायर इधर नेगेटिव है ना, दोनों को उधर ले जाओ एक्स स्क्वायर, ये प्लस का उधर जाके माइनस का 40, और ये प्लस का है तो एज इट इज 400 इक्वल टू
जीरो। ए वन है, बी माइनस फोर्टी है, सी 400 है। इसके अकॉर्डिंग क्या कर लोगे, इसको सॉल्व कर लोगे। क्या निकालोगे, पहले बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी चेक करना है। अगर वो ग्रेटर देन जीरो आता है देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, एग्जिस्ट करेंगे, उनको फाइंड आउट कर दो। अगर वो लेस देन जीरो आता है तो डज नॉट रियल, आर नॉट रियल, ठीक है, कर लोगे। डज नॉट रियल रूट एग्जिस्ट, ऐसे भी लिख सकते हो कि रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहे। क्लियर है? तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 4.4। आज हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है और एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है, तो आपको ये कंप्लीट करना है और ट्यूसडे को सभी बच्चे अपने फोर्थ चैप्टर की नोटबुक चेक करवाएंगे। क्लियर है? थैंक यू।